नाम पहचाने, मेरा नाम क्या होगा? मुंबई पुलिस जिंदाबाद। नाम पहचाने, मेरा नाम क्या होगा? सलमा, आयशा, रबिया? नहीं, गीतिका। मेरा नाम गीतिका है। शाबाश, शाबाश। बताइए आप किस मुंह से कहते हैं जिस देश में इस वक्त इतना आतंक फैला हुआ है, लोग डरे हुए हैं, उसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप चिंता मत करो, ऐसे एलिमेंट्स को तो हम शक्ल से पहचान लेंगे। पहचानिए जो गई उस पर पूरी तरह सहमत हूँ। मैं समय नहीं लेना चाहती, मैं जामिया के स्टूडेंट रह चुकी हूँ, मैं हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ और मेरी खुद की फैमिली में हर तरह के लोग हैं जो कुछ ऐसे भी हैं जो इस वक्त अपने आप को प्रिविलेज महसूस कर रहे हैं। अफसोस की बात है, मैं झूठ नहीं कहना चाहूँगी, और कुछ ऐसे भी हैं मेरी सोच वाले जो जिन्हें लगता है कि हम हिंदू मुस्लिम से ऊपर हैं, इंसानियत से ऊपर कुछ नहीं है। मैं अपनी यूनिवर्सिटी पर इतना फख्र महसूस कर रही हूँ इस वक्त। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त मैं जामिया में होती, मैं इस वक्त मास्कॉम के कैंपस में बैठी होती, और अगर मेरे साथ लाइब्रेरी में घुस के वो बर्ताव होता जो मेरे इस वक्त उन लड़कियों के साथ हुआ है, तो क्या कहते मेरे घर वाले कि नहीं राम मंदिर बनना चाहिए? क्या कहते? तालीम हासिल करके निकले हुए तकरीबन 15 साल हो गए। कई दफे ऐसे मौके आए कि मुझे अपनी यूनिवर्सिटी पर फख्र हुआ, लेकिन आज मुझे अपने जामिया के तालिब होने पर सबसे ज्यादा फख्र हो रहा है। मुझे फख्र है कि आज मेरी यूनिवर्सिटी पे हमला हुआ, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स ने कभी भी अहिंसक आंदोलन में शामिल नहीं हुए। छात्र वो डटे रहे, वो पिटते रहे, वो पिट के क्या देते हैं? वो गुलाब देते हैं। तुम हमें मारो पीटो, लेकिन हमारे प्यार, हमारे होठों से, हमारे जुबान से सिर्फ मोहब्बत निकलेगी, क्योंकि ये गांधी का जामिया है, ये गांधी का देश है, इसे गांधी ने बनाया था। तो साथियों, आज फिर से कहता हूँ कि जामिया ने जो ये प्यार की मशाल जलाई है, नफरत से इसे टूटने मत देना। वो लाठी मारेंगे, तुम प्यार से उनको फूल दे देना। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। जिंदाबाद साथियों, जामिया जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इस देश की कौमी एकता जिंदाबाद। साथियों, एक बात बताना चाहता हूँ, जिंदाबाद। साथियों, मेरे मरहूम दादाजी जब इस दुनिया से गए तो सिर्फ दो चीजें मुझे देकर गए थे। एक वो बैच जो उनको कभी गांधी जी ने खुद दिया था, जिसपे तिरंगा बना था, हिंदुस्तान का निशान बना था, हिंदुस्तान का झंडा बना था। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान के झंडे में तीन रंग हैं, शहादत का, केसरिया, सफेद अमन का, और हरा खुशहाली का। दोस्तों, हमें खुशहाली के रास्ते पे जाना है तो अमन बचाना होगा, इश्क कायम रखना होगा, मोहब्बत कायम रखनी होगी। वो लाठी मारे तुम भूल देना, लेकिन याद रखना दोस्तों, हमारे मुंह से कभी कोई गाली ना निकले। हम पिट जाएंगे लेकिन उफ ना करेंगे। बस एक चीज है कि जिस स्थिति में लाके इन लोगों ने हमें खड़ा कर दिया है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि आज हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हुकूमतें तो वो होती है कि जिनके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट हो ही ना, वो अपने लोगों से मोहब्बत करें और लोग उनसे मोहब्बत करें। हुकूमतें वो होती है जो अपने तालिबों पे लाठियां नहीं मारती, अपने तालिबों को चूसती है कि उनकी फीस फ्री हो, एजुकेशन फ्री हो। आज का मुद्दा ये नहीं है, आज का मुद्दा होना चाहिए था बेरोजगारी, आज का मुद्दा होना चाहिए था महंगाई, आज का मुद्दा होना चाहिए था जो युवा हमारा परेशान है उसकी परेशानियां कैसे दूर की जाए। लेकिन आज हमें कहाँ खड़ा कर दिया गया है, ये वक्त आया है और इंशाल्लाह ये वक्त भी जाएगा। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि ये किसी की लड़ाई नहीं है, ये अमीर और गरीबों की लड़ाई है। सिर्फ अमीर और गरीबों की लड़ाई है, सिर्फ अमीर और गरीबों की लड़ाई है। बहुत छोटे शब्दों में बस दो चीजें बोलूंगा। सब बोल रहे हैं ये क्या प्रॉब्लम है एनआरसी से, सीएबी से। प्रॉब्लम नहीं है, अभी कभी किसी ने उस प्रोसेस पे जाके देखा है? अभी जाइए आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एक छोटा सा सर्टिफिकेट बनवाने के लिए हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को पसीने लग जाते हैं किसी चीज को बनवाने में। कहां से ये गरीब लोग अपना प्रूफ लेके आएंगे? बाड़े आती हैं, डॉक्यूमेंट्स भेजाते हैं, हम लोगों के तो नाम, कितनों के नाम गलत होते हैं। एक अल्फाज की मिस्टेक से आप उसको हिंदुस्तानी कहने से नकार देंगे?
उस प्रोसेस में कितनी तकलीफ होगी। लेकिन याद रखिए, हम सब आज यहाँ खड़े हुए हैं, मुस्कुराते हुए हम कहेंगे ना, हम अपने कागजात नहीं देंगे। हम हिंदुस्तानी है यार, कागजात की थोड़ी ना है। क्या बात है, वेरी गुड, शाबाश। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमारी सरकार सिलेक्टिव कंट्रीज के सिलेक्टिव परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को ही सिटीजनशिप दे रही है। दूसरी बात, इस एक्ट के इम्प्लीमेंट होते ही हम सारे मुस्लिम घुसपैठिए हो जाएंगे सरकार की नजर में, हम सब इलीगल हो जाएंगे। और फिर ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम उन्हें जाकर प्रूफ करें कि हम इंडियन हैं। इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे लिटरेसी रेट इतना पुअर है, 90% लोगों के पास सही डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। NRC लागू होने के बाद CAA के वजह से सारे नॉन मुस्लिम विद और विदाउट डॉक्यूमेंट लीगल सिटीजन होंगे और सारे मुस्लिम इलीगल सिटीजन हो जाएंगे जब तक कि वो प्रूव नहीं करते। एंड दिस इज व्हाट CAA इज अबाउट। ये सरासर एक भेदभाव वाला कानून है। इट इज अ कम्युनल एक्ट एंड इज वेरी डेंजरस। और जो लोग आज नहीं आए हैं और घर पर बैठे हैं ये सोचकर कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं और वो सेफ है, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है, क्योंकि ये तो बस स्टार्ट है हमसे हमारे फंडामेंटल राइट छीनने का। कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात की कि हिंदुस्तान में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है, लेकिन आसाम में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 6 डिटेंशन सेंटर बनाए जा चुके हैं। और वो 6 डिटेंशन सेंटर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंडेड है, फिर भी हम उनकी बात मानते हैं, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू कीप मिलियंस ऑफ पीपल इन द डिटेंशन सेंटर आफ्टर स्नैचिंग अवे देयर सिटीजनशिप। गवर्नमेंट जो है वो हमें डिटेंशन सेंटर में नहीं डालेंगी, लेकिन वो हमसे हमारा वोटिंग राइट छीन लेगी और यहाँ से आपके सेकंड सिटीजन्स बनने की शुरुआत होगी। इसीलिए हम इस एक्ट का पुरजोर विरोध करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। एक है, एक है, एक है। मेरे नौजवान साथियों और मेरे साथियों, मैं आप सबको कहना चाहूंगा, ये जो CAA और NRC का मुद्दा है, ये कोई हिंदू या मुसलमान का मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है, ये संविधान बचाने का मुद्दा है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो ये फिरका परस्त ताकत है, ये फिरका परस्त पार्टी है, ये चाह रही है कि पूरी संविधान को खत्म कर दे। मैं आपको बताना चाहूंगा, आसाम में जब NRC लागू हुआ तो लगभग 165 करोड़ रुपए खर्चा हो गया आसाम में सिर्फ NRC लाने के लिए। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, एक राज्य में जब 165 करोड़ खर्चा होगा तो पूरे देश में कितना खर्चा गया। आज ऐसा वक्त है कि आज आर्थिक मंदी चालू है, आज तंगी चालू है, यहाँ रोजगार नहीं है लोगों के पास, और आप कह रहे हैं कि आप 5 करोड़ लोग और लेके आएंगे, तो आप लेके आइए, हमें तकलीफ नहीं है। लेकिन उससे पहले जो यहाँ के लोग हैं, आप हमें हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई कीजिए, आप हमें रोजगार दीजिए, यहाँ के नौजवानों को आप घर दीजिए, बेसिक नेसेसिटी दीजिए, रोटी कपड़ा और मकान दीजिए, उसके बाद आप कहिए कि आप लोगों को लेके आएंगे, हमें तकलीफ नहीं है। और जब कहते आप जब ये कहते हो आप एक कौन को छोड़ोगे, तो हम मौलाना कुर्बानी की बात कर रहे थे, तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि वही कौन से है जो जिस कौम में शहीद अशफाक उल्ला खान थे, और जब शहीद अशफाक उल्ला खान को फांसी की सजा दी जा रही थी और गुरु ने उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी, तो शहीद अशफाक उल्ला खान ने ये कहा, ना आरजू है कोई, आरजू है तो बस यही, रब से कोई जरा सीखा कि वतन मेरे कफन में। हम देश की मिट्टी से इतना प्यार करते हैं, मैं ये कहना चाहूंगा, मजहब के नाम पर जुल्म सितम हम नहीं करते हैं, सफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते हैं। मेरे दोस्तों, जमीन की कोख में भी हम जाते हैं तो गुसूल करके, जमीन की कोख में भी हम जाते हैं तो गुसूल करके, वतन की मिट्टी को भी ना पाजुल करते हैं। आप सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मी महाराष्ट्र राहतो आणि महाराष्ट्रात राहून मराठीत बोलणार, आणि या ठिकाणी सर्व धर्म समभावाची भावना घेऊन सर्व लोक या ठिकाणी जमलेले आहेत, त्यामुळे मी आज छत्रपती शिवाजी महाराजांचा थोडा इतिहास सांगतोय की 18 पगड जाती एकत्रित राहत होते, 400 वर्ष झाले। तुम्ही 70 वर्षाचा इतिहास विचारताय मुसलमानांचा, आम्ही 400 वर्षाचा, 400 वर्षात
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 400 वर्ष अगोदर प्रतापगडावर मस्जिद बांधली ते कोणासाठी? मला त्याचं उत्तर पाहिजे की छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जी मस्जिद बांधली ज्या दर्ग्यावर ते जात होते त्या दर्ग्याचा इतिहास बघा। तर माझी सरकारने विनंती आणि या ठिकाणी आपल्या महाराष्ट्राच्या सरकारने हा लागू नाही करण्याचा जो निर्णय घेतला त्याचं मी स्वागत करतो। आणि महाराष्ट्राची जी पोलीस आहे आपली जे प्रशासन आहे त्यांनी या ठिकाणी एवढा मोठा आंदोलन त्या ठिकाणी आझाद मैदानावरती झाला त्या ठिकाणी अतिशय चांगल्या रीतीनं आपला बंदोबस्त त्या ठिकाणी दिला आणि शांतीप्रिय महाराष्ट्रामध्ये जे आंदोलन होत आहेत जे प्रदर्शन होत आहेत त्यामध्ये पोलिसांचाही सहभाग आहे आणि यांचाही सहकार्य आहे। तर या ठिकाणी वर्सोवा पोलीस ठाण्यातर्फे जे आम्हाला जे प्रशासनाने बंदोबस्त दिलाय आणि अतिशय चांगल्या रीतीने त्यांनी सहकार्य केलाय त्याबद्दल आम्ही आमच्या एनजीओतर्फे व सर्व लोकांतर्फे मी त्यांचं अभिनंदन करतो। या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास तुम्हाला सांगण्यासाठी यामुळे मी आलोय की त्यांना कळायला पाहिजे तुम्ही 70 वर्ष जुने जे पेपर मागितले आम्ही 400 वर्ष जुने दिले तुम्हाला आता याचं उत्तर तुम्ही द्यावं। आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जे 18 पगड जाती एकत्रित चालवली त्यावेळेस धर्म जात असं काही नव्हतं आणि धर्माच्या आधारे कोणाला विचारलं जात नव्हतं बोललं जात नव्हतं। ये मुस्लिम ये हिंदू ये सिख ये ईसाई सभी लोग एक जगह पर रहते थे और छत्रपती शिवाजी महाराज के जो सैनिक थे उनमें सभी जाति के लोग थे। तो अब आप कैसे उन्हें अलग कर सकते हैं? ये महाराष्ट्र है साहब और यहाँ पे ये लागू नहीं होगा ना हम होने देंगे। वो इतिहास 400 साल पुराना हम बदल नहीं सकते। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? एनआरसी से आजादी, सीएए से आजादी। हम क्या चाहते हैं? एनआरसी से आजादी, सीएए से आजादी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।